नाना के माल पर दादा के फतेह ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। बिल्कुल ये कहावत गुलबर्गा शहर के सोनिया गांधी कॉलोनी में बराबर फिट हो रही है। सोनिया गांधी कॉलोनी में कई सालों बाद रिहैब इंडिया फाउंडेशन की मेहनत की वजह से वाटर पाइपलाइन वर्क स्टार्ट हो गया था, लेकिन कुछ कांग्रेस वर्कर्स ने वाटर पाइपलाइन वर्क को ये कहकर रोक दिया कि एरिया कॉरपोरेटर अली खान और नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा की मौजूदगी में ये काम होना चाहिए ताकि फोटो लेकर क्रेडिट लिया जाए। शहर की एक ऐसी कॉलोनी है जहां गरीब जरूरतमंद लोग पिछले 20 सालों से बसर करते आ रहे हैं। इन 20 सालों में सोनिया गांधी कॉलोनी को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने लावारिस की तरह छोड़ दिया था। ऐसे में मसीहा बनकर रिहैब इंडिया फाउंडेशन ने इस कॉलोनी को सहारा देकर लगभग कई सारे तकलीफों को दूर करने का काम किया है। इस कॉलोनी में रिहैब इंडिया फाउंडेशन की जानिब से बच्चों को ट्यूशन, कंप्यूटर क्लासेस, महिलाओं के लिए टेलरिंग सेंटर, मेहंदी डिजाइन सेंटर, इस्लामिक क्लासेस के अलावा डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जब इंचार्ज मिनिस्टर थे उस वक्त इनकी मदद से इस कॉलोनी में रोड, ड्रेनेज सिस्टम, 300 टॉयलेट, वाटर टैंक जैसे कई डेवलपमेंट वर्क किए गए हैं। और इस बार भी जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस कॉलोनी को विजिट नहीं कर रहा है तो रिहैब इंडिया फाउंडेशन की जानिब से कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट की मदद से वाटर पाइपलाइन वर्क स्टार्ट किया गया था, लेकिन लेबर्स को ये कहकर काम रोका गया है कॉरपोरेटर अली खान की मौजूदगी में ही ये काम होना चाहिए, वरना जो कोई भी ये काम करवाएगा उसको वहीं दफन किया जाएगा। सिर्फ बिना काम के क्रेडिट लेने के चक्कर में काम करने वाले मजदूरों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस बात पर कॉलोनी के लोग और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सिर्फ सामने खड़े होकर फोटो और क्रेडिट लेने के चक्कर में स्टार्ट किए गए काम को रोका गया है। जुम्मा के दिन वाटर बोर्ड वाले आकर जो पहले की पाइपलाइन नई पाइपलाइन करे थे उसको कलेक्शन कर रहे थे, तो कुछ लेबर काम कर रहे थे, हमारे ही कॉलोनी के कुछ लोग आकर उस लेबर को धमकी दिए, तू ये काम बंद कर, किसके कहने पर कर रहा है, मैडम को मालूम है क्या, कॉर्पोरेटर को मालूम है क्या, तू पूछे बगैर कैसा कर रहा है काम, बोल को वो लेबर को डरा धमका कर उनको हकाल दिए। हफ्ते के दिन हम इंतज़ार करें कि लेबर आकर काम करेंगे, हफ्ते के दिन भी नहीं है, इतवार के दिन छुट्टी थी बोलकर चुप बड़े। आज हम मंडे के दिन हम फोन लगा रहे हैं तो ऑफिसरों को, ऑफिसर बोल रहे हैं कि मैडम आए तक हम काम नहीं करते, कॉर्पोरेटर आए तक हम काम नहीं करते, क्या वजह है भाई, काम तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो खाली कलेक्शन के लिए मैडम की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन के पीरियड में आप आकर बड़े बड़े वादे कर चले गए, अब जो काम हम जो मेहनत कर 5-6 साल से मेहनत कर लड़कर हम खुद की बुनियाद पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन आज वो काम को कंप्लीट होने आया, पूरी बिरयानी पकाए दम खोलने के लिए आप आते हैं बोले तो ये बात गलत है। हम जो काम कर रहे हैं वो करेक्ट है। आप जो लोगों को जो लोग आ रहे हैं हमारे एरिया के हमारे खिलाफ होकर जो बात कर रहे हैं, जो लेबर आ रहे हैं उनको काम करने के लिए धमकियां दे रहे हैं, हम ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट भी कर चुके हैं, अगर फिर आइंदा बार अगर वो ऑफिसर अगर वो लेबर आकर काम करेंगे अगर कोई उसे रोकेगा तो हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने लगेंगे, उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। मैं सोनिया गांधी कॉलोनी से बात कर रही हूँ, खास करके अली खान साहब के वास्ते बात कर रही हूँ। 6 महीने हुआ आपका इलेक्शन होके और यहाँ पे आप खुद आके देखिए, जब वोटिंग के टाइम पे आए आप गलियों में कितना चिकड़ था, वो सोच कर तो भी आप हम लोगों की थोड़ी हेल्प करो, क्योंकि अब ये अब 4 महीने देखते देखते गुजर जाते, आने वाले बारिश में ना पाइपलाइन है और ना नालियाँ हैं ना रोडा हैं, इसकी वजह से पाइपलाइन का पूरा पानी अपने अपने घरों में बारिश में पूरा एडजस्ट हो जाता, अब हम रहना कैसा बोलो ये नालियाँ की वजह से। और पाइपलाइन नल का दे चुके हैं अजीत सर रिहैब वाले मिलके, टाकियाँ बिठाए, बेचारे इतनी मेहरबानी करे, हमको इतनी मुश्किल से निकाले, हम साइकिल पे औरत जात पानी लाते थे 8-8 आने पैसे दे के, हाँ फिर भी अल्लाह का शुक्र है उन आने से हमको पानी की सहूलत हुई, अब कलेक्शन दी नल का, अब वो रुका रहे हैं, वो रुकाने की कोशिश मत करो बोलो, जो कोई भी कर रहे हैं उनको करने दो, मेहरबानी होंगी मुसलमानों को इतनी तकलीफ मत देने दो, बहुत तकलीफ सह लिए पानी के वास्ते, अब कंटिन्यू हम लोग नहीं बोले तो भी महीना 1000 रुपये पानी के भरते हैं हम, क्या घर चलाना क्या पानी का पैसा देना, 8 आने में एक घड़ा लाते हैं हम औरत जात साइकिल पे पकड़ को, चलो अल्लाह का शुक्र है टाकियाँ बैठे जब से औरतों को इतनी सहूलत हुई, आप लोगों से गुजारिश है नालियों का काम रोडों का काम हो सका तो इंशाल्लाह ये बारिश से पहले कम्प्लीट करो मेहरबानी। मैं अब्दुल अजीज़ खान रिहैब इंडिया फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर बात कर रही हूँ।
मैं 6 साल से अलग हूँ यहाँ पे गुलबरगा में। ये सोनिया गांधी कॉलोनी की हालत बहुत वर्स्ट थी। 0 से हम शुरू करें सर्वे करने के बाद में जो है हम एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, ये 4 प्रोजेक्ट हमें लेकर आए थे। अब एजुकेशन 1st स्टैंडर्ड से PUC 2nd ईयर तक भी कर रहे हैं और जो है टेलरिंग सीखा रही है। अब तक 1300 वुमेन्स टेलरिंग सीखो है। बच्चों को सुबह को अरबी है, औरतों को दोपहर में 11 बजे से 12 बजे तक तजवीज़ के साथ कुरान की तालीम दे रही और कंप्यूटर बना रही, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे रही, मेहंदी डिज़ाइन, स्पोकन इंग्लिश। इतना सब करने के बावजूद अब रिसेंट जो है लैब टेक्नीशियन इतना सब कर ले गए है। और इसके पहले जो है हम वो बहुत से कोशिश करके शरण प्रकाश पाटिल के, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल के इससे मदद से ले हैं। यहाँ का रोड, ड्रेनेज सिस्टम, वो 300 टॉयलेट्स बनाए थे। इसके बाद में जो है यहाँ का रोड नहीं हुआ, पानी को पाइपलाइन डलाए बोल के, उसके पाइपलाइन डलाने के बाद सफिशेंट पानी आने के बाद पानी दे देंगे को बोले। लास्ट टाइम कब का कमिश्नर को 1 साल से अप्रोच कर ले को हमें, उन्होंने देती हूँ बोले। परसों में बैठ को है ना, तुम्हें कब देती हूँ बोलो, हमें रिहाब इंडिया फाउंडेशन एक NGO है तक काम कर ले को है, तुम्हें गवर्नमेंट लोग कहीं क्यों नहीं कर रही, ये पॉलिटिशियन के प्रेशर में आपको नहीं करेंगे क्या बोल को बोलने में है ना। तब का तब उनको क्या करते, मिसगाइड कर रहे थे वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, मिसगाइड करते हैं। 500 मीटर का पाइप होना कनेक्शन देने के वास्ते करके ऐसा बोले थे। तो बाद में भी क्या बोला, मैच कनेक्शन करा पाइप बंदा है, सो बहुत खरीब है, एक आधे घंटे का काम है कनेक्शन देने के वास्ते करो बोल को। उनका सबॉर्डिनेट को है ना मैं गुस्सा करा, कहीं को मिसगाइड कर दी उनको बोल को। बोलने के बाद उन्होंने क्या करे, मैं बोला वाटर बोर्ड से इनको बोला बातचीत को, उनको मालूम है करेक्ट पिक्चर, उन्होंने बोलती करो बोले। मैं उन्होंने क्या करे, तुम्हें अभी आधे घंटे के अंदर तुम्हें जाना। तो मंजे भी क्या बोले, तुम्हें बातचीत के साथ जाओ कॉलोनी को, स्पॉट बताओ करके बोले। जैसा मैं आपको स्पॉट बोले, वेरी नेक्स्ट डे आपको उन्होंने डिगिंग करे। डिगिंग करने के बाद में जो है यहाँ के चंद लोग हैं वो चमचागिरी करती हैं कांग्रेस की, उन्होंने क्या करें, यहाँ गड्ढे में अगर 5th में आए तो है ना मार्क वोच गड्ढे में फिल करती हैं करके बोले। उसके पहले क्या करें, यहाँ मैं कंप्लेंट दिए इसके पुलिस स्टेशन में, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। आए तो नेक्स्ट पुलिस को बुलाओ, हमें आती इनके पास लेडी पुलिस को भेजती, 4 पुलिस वाले भेजती हैं बोले थे। अब वो FIR होता है बोला आपको यहाँ को मिसगाइड करें, इनको यहाँ की औरतों को, हमें भाया हमें भाना घर को, ये इलीगल पानी लगो 15 साल से पीनी भाया घर को बोले। तो दूसरे भाना नीचे ही घर को नहीं मालूम उनको, खाली भाया पानी पीना, भाना नहीं पीना क्या, ऐसा घर को है ना। हमें क्या करे, भाई परसों आज सुबह को बोलिया कमिश्नर को, ये इलीगल कनेक्शन कट करो, मेन कनेक्शन दो घर को बोलिया। कमिश्नर भी क्या करे, इलीगल कनेक्शन हमें कट करती, जिसे पानी होना है ना पैसे देखो पानी लो करके बोले। फिर भी अब क्या है करके बोले, तो अली खान आना कहते, अली खान कहीं को आना। इसके पहले मैं जब 6 साल से जब इलेक्शन हुआ था और 6 साल में एक बार भी देखा नहीं अली खान को मैं इस कॉलोनी के अंदर। डेवलपमेंट का इतना काम हुआ, इतना काम हो रहा है, क्या उनकी आँखें को नहीं दिखता क्या। फिर आए 500 रुपये देखो वोटर लेकर गए, अभी तक 6 महीने हुआ इनकी बाड़ी नहीं अभी बैठी, अभी बैठती भी नहीं इनकी बाड़ी, इनके झगड़े में क्या है पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लोग तो करे नहीं, अब दूसरे NGO को करते रहा तो उससे भी रोकते। अब वो बोलते हो ना ये इन्हें आना, अली खान आना, अली खान आपको खड़को बोलना का, तो अरे कैसा कहीं को अली खान आना कनेक्शन देने के वास्ते, पूरा काम हमें करना, इन्हों आपको खड़को शो कर लेना, मैं कांग्रेस से करे बोल को आदमी को बेवकूफ़ बनाने के वास्ते, ऐसे सब चीज़ें नहीं चलते। और मैडम तक अब तक कोसा भी काम नहीं करे कॉलोनी का, आती हैं हमें बनती हैं ये करती है। बेंगलुरु में 10 दिन बैठा था मैं, सुबह 10 घंटे से रात के 6 घंटे तक बैठ को है ना हक पत्र के वास्ते AGM के पास बैठ को लेटर ले लगाया। लेटर ले लगाने के बाद अब हक पत्र के वास्ते 176 घर को हक पत्र मिल रहा है। क्या करें ना पॉलिटिशियन, कहीं को ऐसे मुस्लिम लीडर होना क्या, ऐसे मुस्लिम लीडर की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्हें अपो गौड़ा है उसके, इसका चेयरमैन है उन्हें KKRDB का। लास्ट में क्या है, KKRDB के ऐसा फंड रहता है, अमृत का फंड रहता है, कौन से भी फंड से करना। लास्ट टाइम डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल रहे चेयरमैन रहे टाइम में हमारे वोट फंड से यहाँ काम करे। इसे बोले तो है ना वो खमरुल इस्लाम को आते काल नहीं मंजे नहीं आती नॉर्थ का, उन्हें MLA फ़ोन करना, इसे बोले तो इन्हें MLA फ़ोन करना, तो इन्हें क्या काम करता है, क्या जरूरत इसे, इसे नॉलेज ही नहीं है अपोगोड़ा को। यहाँ से आता है चंदू पाटिल, उन्हें आपको बुलाता, हमें आपको काम करती तुम्हें आओ कर को। यहाँ कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, या तो उधर इनो करते ना तो उनको करने देते। अभी भी एक लड़ाई है, BJP की कांग्रेस की लड़ाई है, इसमें क्या है इनके दोनों की लड़ाई में है ना
है कि पब्लिक पीसे जा रही है। दो हत्याएं के बीच में जो है उनके पावा के बीच में है कि पब्लिक पीसे जा रही है। पानी का कनेक्शन डलाने के बावजूद भी कनेक्शन देना का था, इन्हें कहीं को आना, अली खान कहीं को आना। अली खान अब तक आया कुछ नहीं है कॉलोनी। एनजीओ आपको काम करना, इन आराम से घर में बैठ को आपको काम होने के बाद में आपको मैं नाम कर लेना, पूछा बहुत फिरा लेना। ऐसा कैसा, ऐसा नहीं होता, ऐसा आपको काम करने को बोले नहीं तो है ना हमें, और जो बोले उन्हें वो गड़े में डाल दो, और को उसके ऊपर एफ आई आर कर सकते हैं। मैं कमिश्नर बोल कर है FIR कर दो बड़ो। इलीगल कनेक्शन जो भी है उन्होंने कमिश्नर जो बोले इलीगल कनेक्शन जो भी है सब कट करती है। मैं जिसको पानी होना है उन्होंने पैसे दे को कनेक्शन ले को बोल।